साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपने एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, मलेशिया का वीज़ा से संबंधित साथियों बात करेंगे। ए टू ए वीज़ा क्या होता है? जी हां साथियों, ए टू ए वीज़ा की बात करेंगे। साथियों ए टू ए वीज़ा वैसे तो प्लांटेशन से संबंधित होता है। मलेशिया में जो खेती बाड़ी, जो पाम ऑयल वगैरह है, जो बहुत सारी जो खेती बाड़ी से संबंधित कंपनियाँ होती हैं ना, वो ए टू ए वीज़ा निकालती हैं। ये वीज़ा वैसे सस्ता पड़ जाता है, ए टू ए में कोई महंगा नहीं पड़ता। एक बात नोट कर लेना, जो कंपनी खेती बाड़ी से संबंधित वीज़ा देती है उस वीज़ा का पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, 50-60 हज़ार में बंदा आराम से जा सकता है। सैलरी इसमें होती है साथियों 20,000, लगभग 25,000 से ऊपर तक उसमें सैलरी नहीं पड़ती, 20 से 25,000 के बीच में तो पड़ी जाती है, लेकिन लगभग आप 20,000 मान के चलिए, वीज़ा भी कॉस्टली नहीं पड़ता। लेकिन साथियों इसमें बात यह है कि जिस कंपनी का वीज़ा है उसी में आपको वो काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मन की मर्जी ये काम नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आप काम चेंज, प्रोफेशन चेंज इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। ए टू ए में एक होटल से संबंधित भी जॉब मिल जाता है, उसमें थोड़ा पैसा इसमें ज़्यादा लग जाता है। लेकिन ए टू ए में अगर आप वीज़ा लेके जाते हो तो पासपोर्ट उसका ओनर के पास ही रहेगा, जो आपको वीज़ा दे रहा है उसी के पास वो पासपोर्ट रहेगा। जो कंपनी है कोई भी मान लीजिए, पासपोर्ट उसके हाथ में होता है, वो ही अपने पास रखेगा। जितने साल आपका अग्रीमेंट है उतने साल पासपोर्ट वहीं पे जमा होता है, ठीक है, आपके पास पासपोर्ट नहीं छोड़ा जाता। इसके लिए साथियों बात करेंगे अपने, इसका स्टार्टिंग में मेडिकल होता है। मान लीजिए आप इंडिया से जा रहे हैं तो कहीं पर भी आप मेडिकल कराओ, जो अथोराइज सेंटर हैं इंडिया में 4-5 जगह हैं, तो वहाँ मेडिकल करवाइए, उसका लगभग 8,000 रुपये का खर्चा आता है। उसके बाद साथियों मेडिकल होने के बाद 30 डेज से 45 डेज, यानी 30 से 45 दिन का इसमें प्रोसेसिंग टाइम होता है। उसके दौरान आपका वीज़ा लग जाता है पासपोर्ट में 3 मंथ का, 3 महीने का वीज़ा यहाँ लग के जाता है। फिर वहाँ जाते हैं आपका दोबारा मेडिकल CRDB वगैरह जो भी वहाँ का प्रोसेस होता है वो बन के आपका 1 साल का वीज़ा पासपोर्ट में लग जाता है। आप कंपनी आपको जॉब दे देती है, आप काम कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो साथियों ए टू ए में सैलरी कम होती है, 1,000 रिंगिट से 1,500 तक आप सैलरी इसमें ले सकते हैं, लगभग इतनी मिलती है, उससे ऊपर चांसेस बहुत कम है, मिलती भी नहीं है। और इसमें साथियों जो काम की बात करें तो लगभग 10 घंटे से 12 घंटे के बीच इसकी ड्यूटी होती है। इतनी ड्यूटी तो आपको करनी पड़ेगी, एजेंट बोलने को कुछ भी बोलते हैं उनका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यही है साथियों। इसका अग्रीमेंट 3 साल का होता है, 1 साल का पासपोर्ट में वीज़ा लग जाता है, 2 साल का आपका अग्रीमेंट रहता है और हर साल वो वीज़ा आपका रिन्यू होता रहता है साथियों, ठीक है। और अपन इसी खर्चे की बात करें तो अगर प्लांटेशन ए टू ए में आप खेतीबाड़ी से संबंधित वीज़ा में जा रहे हैं तो आपका लगभग 50,000-60,000 के करीब खर्चा आता है। होटल से संबंधित अगर आप उसमें कोई जॉब आपको कोई देता है तो उसमें लगभग 1-1.25 लाख रुपए तक खर्चा इसमें आ जाता है साथियों, लेकिन सैलरी बहुत कम है। खेतीबाड़ी वाले में 18 से 20 हज़ार तक पड़ जाता है, होटल वगैरह में 25-20-25 हज़ार, बस इससे ज़्यादा सैलरी है नहीं। तो ए टू ए में बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं, ए टू ए में सैलरी भी कम है और पैसा भी लगभग उतना ही लग जाता है, तो कोई सेंस वाली कोई बात है नहीं। फिर वहाँ पर भी बंदिश में कंपनी में जॉब करना पड़ता है आपको, तो बस ये प्रोसेस है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ए टू ए से संबंधित कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं कोशिश करके आपको आंसर दूंगा। और चैनल अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हर रोज़ नए टॉपिक में वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो हर रोज़ नए टॉपिक पर वीडियो आपके पास आते रहेंगे, ताकि आपके साथ जो एजेंट झूठ बोल के लोगों को विदेश भेज देते हैं वो आप उस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। मेरे में वीडियो जो वहाँ का जो सिस्टम है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपके साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम समस्या का सामना न करना पड़े। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, हर रोज़ नई जानकारी आपको अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।